करोड़ों यूथ के इंस्पिरेशन, आइडियल, इंडियाज लीडिंग बिजनेस टाइकून एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी के बारे में आज हम बात करेंगे और उनके लाइफ के कुछ किस्से, फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस हमारे अंदाज में आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ इंडियन बिग शॉट रतन टाटा। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अब तक के सबसे सक्सेसफुल चेयरमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ रतन टाटा एक जिंदा दिल इंसान भी है। ये उनकी स्टोरीज से आगे आपको पता चल ही जाएगा। इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं जो इन्हें पसंद ना करता हो। बचपन में इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया, उसके बाद रतन टाटा अपने दादी के साथ रहने लगे। बचपन से ही उनकी दादी ने उन्हें एथिक्स और मॉरल का पाठ पढ़ाया, यानी चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे खानदान पे कोई आ जाए, और इसको रतन टाटा आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। अपनी स्कूलिंग खत्म करते ही रतन टाटा ने अपने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका के कॉर्नल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें IBM से जॉब ऑफर हुआ। IBM उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी। कुछ महीनों तक रतन टाटा ने IBM में जॉब भी किया, पर उनके दादी की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें इंडिया वापस लौटना पड़ा। वापस आते ही रतन टाटा टाटा स्टील्स में काम करने लगे, पर यहाँ काम करने में इनका दिल नहीं लगा। जब रतन टाटा ने यह बात JRD टाटा से कही तब उन्होंने नेल्को कंपनी संभालने का काम रतन टाटा को दे दिया। नेल्को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करती थी जो कि उस वक्त बहुत लॉस में चल रही थी। और यहाँ आता है ट्विस्ट। नेल्को टेक ओवर करने के बाद कंपनी में हो रही गलती को ढूंढने के लिए रतन टाटा ने कंपनी को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया, और एनालाइज करने के बाद ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक उन्होंने चेंज लाया। रतन टाटा के लीडरशिप में कुछ ही सालों के अंदर नेल्को के सारे डेब्ट्स क्लियर हो गए और नेल्को फिर से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई। 1991 में रतन टाटा की असली जर्नी शुरू हुई जब वो टाटा एंड सन्स के फिफ्थ चेयरमैन बने। जब रतन टाटा चेयरमैन बने उस वक्त कई सीनियर्स का मानना था कि रतन टाटा इस पोस्ट के लायक नहीं है, पर JRD टाटा ने किसी की ना सुनते हुए रतन टाटा को चेयरमैन बना दिया, और यहाँ से शुरू हुई रतन टाटा की लीडरशिप की जर्नी। रतन टाटा पहले से ही विजनरी थे और अब तो उन्हें मौका मिल गया था अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने का। अपने विजन, डिसीजन और मेहनत के दम पे रतन टाटा ने टाटा सन्स की सारी कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज बनाया। रतन टाटा विजनरी होने के साथ साथ मास्टर कम्युनिकेटर भी थे, जिससे वो अपने आइडियाज और अपने विजन को सही तरीके से दूसरों के सामने रख पाते थे। रतन टाटा की सबसे बड़ी खूबियों में से एक ये थी कि उनके साथ जो भी काम कर रहा हो उनको देखकर इंस्पायर हो जाता था, जिससे दूसरों के अंदर एक सेंस ऑफ कैपेबिलिटी पैदा हो जाती थी कि मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ, और ये एक ग्रेट लीडर की निशानी होती है। 1998 में रतन टाटा ने कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके मुताबिक हर टाटा एम्प्लॉई को सेम रिस्पेक्ट मिलेगी, चाहे वो एक प्योन हो या कोई MD। बहुत सारे बड़े पोस्ट पर काम करने वाले लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट को साइन करने से मना कर दिया, लेकिन रतन टाटा ने हार ना मानकर आखिरकार सबसे ये कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवा ही लिया। अब जो किस्सा मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपने कहीं सुना होगा, पर इस वीडियो में ये किस्सा ऐड करने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे लगता है कि इस किस्से के सिवाय रतन टाटा की बायोग्राफी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, सो इसे आखिर तक सुनना। किस्सा कुछ ऐसा है कि साल 2000 में टाटा का ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत लॉस में चल रहा था। इस पर रतन टाटा ने डिसीजन लिया कि वो टाटा मोटर्स को फोर्ड को बेच देंगे, इसलिए अपने टीम के साथ वो बिल फोर्ड से मिलने चले गए। बिल फोर्ड से मिलने के बाद उनका बर्ताव रतन टाटा को पसंद नहीं आया। बिल फोर्ड ने कहा कि ये कंपनी हम आपसे खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को ये बात चुभ गई। उसी रात वो अपनी पूरी टीम के साथ इंडिया वापस आ गए और डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। रतन टाटा की एक खासियत है कि वो अपनी मेहनत और अपने विजन को एक कर्व में रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कम टाइम में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और यही फॉर्मूला रतन टाटा ने अपने लॉस मेकिंग कंपनी टाटा मोटर्स पर अप्लाई किया, और इसके चलते कुछ ही सालों में टाटा मोटर्स एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। और 2008 में ठीक 8 साल बाद फोर्ड मोटर्स का दिवाला निकल गया। उनकी लग्जूरियस कार मेकिंग कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर लॉस में जाने लगी। उसी वक्त रतन टाटा ने दोनों कंपनीज को $2.3 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ खरीद लिया और इन लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिटेबल भी बनाया। उस वक्त बिल फोर्ड ने रतन टाटा से एक लाइन कही कि हमारी कंपनीज खरीद कर आप हम पर एहसान कर रहे हो। दोस्तों, इससे एक बात साफ हो जाती है कि सक्सेस से बड़ा कोई रिवेंज नहीं, और यही बात रतन टाटा ने प्रूव करके दिखाई।